Hello and welcome all to SOMC podcast. I am Vandana, your host for today. We are going to talk about our rural immersion where we visited a village called Bagechiwadi from 12th of September till 15th of September. Bagechiwadi is a village in Malshiras Taluka in Solapur district in Maharashtra. I have my friends with me, Ishita. Hello. Saqib. Hello. Animesh. Hi, I hope you're doing good. And Coleman. Hi, everyone. And we are here to talk about rural immersion. And we're going to share some experience with you all. So let's start without any further delay. I would like to ask a question to Ishita first. What were your takeaways? Like, kya sikha? Could you please share some experiences with us? I think personally talking, the trip was a wonderful journey for me on a personal level, actually. Not only because I had fun, but it gave me a lot of insights. First of all, when we were having the activities with the school kids, the potential they had, the warmth, the love that they shared with us, lovely. Like, wow. I mean, they reminded us that there is a child in all of us, that we have been kept buried because we are staying in a generation where being cool is a new trend. So we don't really show our child side, and वहाँ जाके वो unleash हुआ, so it was a great experience that we got to connect with them and have fun with them. And in general, talking about the rural experience, हम वहाँ गए थे सोच के कि वो लोग हमसे अलग है and हमको immerse होना है, तो this was our mentality. But जबकि they were so welcoming और हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम बाहर के लोग हैं. हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, देयर ट्रीटिंग अस लाइक देयर ओन किड्स. लाइक इतना प्यार दे वर गिविंग अस, इतनी इज्जत आल्सो, लाइक व्हिच इज नॉट लाइक नेवर सीन इन अर्बन डे टू डे लाइफ. सो आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स दैट आई चेरिश द मोस्ट, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग अवे थ्रू दिस ट्रिप. दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई कैन से, श्वेता. एंड ऑब्वियसली आई विल कम टू साकिब नाउ. What were your experience like? कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई, या कुछ ऐसी चीजें जो हमने नहीं देखी होंगी और तुमने देखी? Could you please share it with us? तो पहले तो हम लोग गांव पहुंचे तो काफी अच्छा वेलकमिंग था गांव से. उसके बाद फिर हमारे गाइड साहब जो थे शंकर जी, फिर उन्होंने हमें पूरा गांव का टूर कराया. उन्होंने अपने गांव में पहला कम्युनिटी रेडियो डाला, स्माइल रेडियो, जो कि 90.8 एफएम है उनका. तो उन्होंने, उनको 5 साल लगा उस रेडियो को सेटअप करने में. तो उन्होंने हमें उस रेडियो की पूरी जर्नी बताई कि कितना डिफिकल्ट होता है एक रूरल एरिया में रेडियो डालना. True. और क्या उसका सेटअप कॉस्ट आता है, तो कैसे वो अभी तक चला रहे उस रेडियो को. उन्होंने अपने घर में सब कुछ सेटअप किया, उन्होंने पूरी एकदम हिस्ट्री पूरी लेके गई कि पहले उन्होंने, उनको कुछ आइडिया नहीं था रेडियो के बारे में, पहले उन्होंने उस रेडियो के बारे में जानकारी ली, फिर उसको सेटअप किया अपने घर में. तो वो बताया, फिर उन्होंने हमें एक खेत लेके गया जो बहुत ही अच्छा था. उसके अंदर उन्होंने हमें, एक लेक था वहाँ पे जो कि 2 लाख लीटर पानी है उसमें. उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी उस बारे में कि वो जो पानी है वो खेतों में बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी के वो लोग पहुँचा रहे हैं. उनके पास ग्रेविटी पाइप है जिनकी वजह से पानी सीधा खेतों में जा रहा है, और जितना चाहिए उतना ही जा रहा है. तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है जिससे फसल को नुकसान हो रहा है. तो उसके बाद वो लोग, ये भी उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे 2 लाख मछलियाँ हैं, तो 2 लाख टन मछली वहाँ पे निकाली जाती है. तो बहुत अच्छा बिजनेस है वो भी. कैटल फार्मिंग के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि सिर्फ एक ही जगह से इनकम नहीं आती है. हमने उन्हें बहुत क्वेश्चन पूछे कि आपका मेनली जो शुगर केन का फार्मिंग है उससे कितना फ़ायदा होता है. तो मैंने उन्हें ये भी पूछा था कि क्या किसान और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनके बीच में कोई मिडल मैन है, ताकि वो जो शुगर केन वो उगाता है वो डायरेक्ट शुगर इंडस्ट्रीज में जा कैसे जाता है. तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम लोग के बीच में कोई मिडल मैन नहीं है. उन्होंने ये भी बताया कि जैसे शुगर वगैरह से हमको सिर्फ हमारा गुजारा चल जाता है, बाकी मेन बिजनेस उनका फिशरीज से भी आता है बहुत सारा, और डेयरी फार्मिंग से भी आता है. मैंने उन्हें वो ये भी पूछा था कि शुगर के जो बाय प्रोडक्ट्स है, तो बोले जैसे गुड़ हो गया, तो वो लोग बोल रहे कि अभी जो भी किसान लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, तो वो गुड़ की भी चीज़ें, गुड़ की भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज है जो खुद ओन करते हैं और वो उस पर भी काम कर रहे हैं. तो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि वो लोग, उनको हमको अवेयर करना नहीं पड़ा, वो बहुत पहले से ज़्यादा अवेयर है. तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के, और काफ़ी सरल तरीक़े से उन्होंने बात की, काफ़ी अच्छी बातचीत की उन्होंने. तो ये देख के
अपना अपना सा फील आया, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को गाँव के अंदर। ये सुन के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, तो अनिमेश आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया? ओके, सो फर्स्ट स्टार्टिंग, अगर मैं स्टार्टिंग करने से नहीं करूं कि हमने क्या क्या उधर ऑपरेशंस किया और क्या क्या एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हुए, सबसे पहले मैं दो तीन चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ट्रिप में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अपनी लिमिट्स पता चल गई थी, क्योंकि वो कम्फर्ट जोन से बाहर निकले थे 3 दिन के लिए। तो डे वन से वहाँ पे सबका पता चल गया था कि कौन कैसे अडाप्ट कर रहा है, कौन अपने कंफर्ट जोन में है और कौन निकल रहा है और कौन निकल चुका है। तो वो एक बात थी। एंड अपने आप में अब मैं भी एक गांव से आता हूँ छोटे से, तो अब मेरा भी वो रूट्स जो है वो छूट गई थी, क्योंकि मैं रूरल से पहले सब अर्बन में गया, फिर धीरे धीरे मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो अर्बन चला गया। तो मेरा भी थोड़े ग्राउंड्स वहाँ पे वीक हो गए थे, बट मेरे को पता था कि वहाँ कैसे करना है और कैसे सर्वाइव करना है और क्या करना है, बिकॉज वहाँ पे विलेज की लाइफ बहुत टफ होती है। जो आपको मूवीज में दिखता है, जो आपको डेली सीरियल्स में दिखता है, वैसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं उधर, उसका अपोजिट होता है, बहुत टफ है। हर चीज़ के लिए वहाँ पे खुद मेहनत करनी पड़ती है। एंड लकीली जो हम लोग जिस विलेज में गए थे वहाँ पे वाटर सप्लाई का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो पहले के लोग थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया हुआ था कैनल्स बिल्डिंग में, तो वहाँ पे पानी अप्रोप्रिएट आता है और अप्रोप्रिएट से ज़्यादा ही आता है। वन ऑफ द फैक्ट दैट ये प्रूव हो सकता है कि वहाँ पे शुगरकेन बहुत हेविली ग्रो हो रहे थे एंड शुगरकेन को बहुत पानी का सप्लाई चाहिए होता है। तो बेसिकली वहाँ पे पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग, अब बात आ जाती है जो ऑपरेशंस की, जो हमने काम किया, तो साकिब और मैंने बेसिकली बहुत क्लोजली काम किया डॉक्यूमेंट्री शूट करने में, वहाँ के लोगों से बात करने में, उन लोगों की क्या दिक्कतें हैं वो जानने में, वो क्या चाहते हैं वो जानने में, उनका माइंडसेट कैसा है गांव में रह के, वो अपने गांव को कैसे डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं और कैसे वो कर रहे हैं डेवलप। तो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग विथ सबसे हायरकी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले वहाँ पे सरपंच का इंटरव्यू लिया, उनसे बातें करी कि वो कैसे गवर्न कर रहे हैं उस विलेज को, क्या वो अप्रोप्रिएट पॉलिसीज जो आ रही हैं वो बता रहे हैं विलेजर्स को या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ऑफकोर्स वो ट्रांसपेरेंट थे और ये हमने क्रॉस चेक भी किया गाँव वालों के साथ कि क्या आपको पता है सब चीज़ें, तो हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला। सो वन थिंग वॉज क्लियर कि वहाँ का जो सरपंच है वो बहुत लॉयल है और वो बहुत हार्डवर्किंग है। द सेकेंड चीज़ जो हमने बात करी वो एक सरपंच के एक सन से बात करी, जो साकिब ने आपको बताया, तो वो पूरा इंटरव्यू उनका था जो साकिब ने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी पॉडकास्ट पे। देन हमने विलेजर्स से बात करी, वहाँ के बच्चों से भी बात करी, कोई एज ग्रुप नहीं छोड़ा हमने, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबसे बात करी, सबका माइंडसेट जाना। एंड देन हमने वहाँ पे एक हॉस्पिटल में भी गए जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल है, वहाँ का हमने देखा कि क्या सिचुएशन है। तो लकीली सिचुएशन अच्छी थी, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ केयर की, बेसिक से लेके आपको अगर क्रिटिकल भी कुछ हो जाता है तो ओवर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो गांव में जनरली मिलते नहीं हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, तो हम स्कूल में भी गए, टीचर्स से बात करी, प्रिंसिपल से बात करी, एंड इवन गाँव में स्मार्ट बोर्ड तक आ चुका है। सो द विलेज इज ग्रोइंग एंड इट इज़ प्रॉस्परिंग वेल। कंक्लूडिंग लाइन्स अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे 3 दिन बहुत अच्छे रहे, मैड प्रोडक्टिविटी थी एंड बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा 3 दिन लगातार काम किया था। एंड साकिब था फ्रंट ऑफ द कैमरा में और मैं बैक ऑफ द कैमरा में था, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ये बात कर रहा था लोगों से और मैं इसको कैप्चर कर रहा था। सो यस, आई वुड लाइक टू से दैट द ट्रिप वॉज रियली गुड। वी ट्राइड लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड वील try to pass on that information to our friends, our closer ones. So with that being said, let's carry this podcast further. Thank you so much, Animesh. That was quite informative. And yeah, we have Coleman as well. And I heard that Coleman was the one who served food to everyone. So what was your takeaways? Like, what were your takeaways? Kya seekha? Kya kiya? Kaisa raha experience sabke saath jana, sabke saath rehna, 3 days with everyone? Vandana, to be really honest, even while seeing my experience, I'm getting goosebumps. Firstly, like, when I came to know that I'll be visiting a village and all, I was really excited. I came to know from the CR of my class representative, that we will be going to a village to see how they live their life and all. And to be very honest, deep down, I was so excited. Because I have always had this thing in my heart that
लाइक लोग बोलते हैं बाहर बाहर देश जाओ, बाहर देश जाओ, गो अब्रॉड, सी हाउ गुड इज अब्रॉड, सी हाउ गुड इज अब्रॉड. बट आई हैव ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माई हार्ट कि मेरे को पहले इंडिया घूमने का, मेरे को पहले पूरा इंडिया देखने का. एंड यू नो द कल्चर, द एक्चुअल कल्चर ऑफ अ कंट्री नो यू विल कम टू नो इन विलेजेस. सो एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट वॉज दैट like I was in food committee, and which was one of the, for me, like when I came to know, I was all the more excited about it. I had a teammate, my brother Saqib. He did a wonderful job, and it was really good for me. It was really heart touching for me to, you know, serve people food and all that. And one of the important points what I want to tell about my food committee is that in whenever in cities we are, no, we always miss that home food. वो घर का खाना हम हमेशा मिस करते हैं हम लोग. लाइक मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स एंड ऑल दे होम टाउन इज समवेयर एल्स एंड दे देन कम यर फॉर स्टडीज एंड फर्दर देन दे विल गो फॉर जॉब्स ऑल्सो एंड ऑल. एंड इन दिस प्रोसेस नो दे मिस दैट होम फूड. एंड वेन यू गो इन टू विलेजेस एंड ऑल नो यू डोंट मिस दैट. यू गेट अ टच ऑफ मदरली लव, नो यू गेट अ टच ऑफ दैट होम फूड एंड ऑल. एंड आई गॉट अ टच, लाइक इट वॉज सो गुड, स्पेशली दैट ठेठसा व्हाट आई हैड नो ऑथेंटिक महाराष्ट्रन स्टाइल. This no, it was really good, really, and even that chash and all that, it was absolutely loving and all that. And it was for me, like I was serving people and I was eating with them and all. It was really a great experience. And through this podcast, people who are listening this podcast, I would like to tell them, please guys, go and visit villages. Please go and see how good the villages. We don't even talk about Northeast and all that. Forget about we don't even know that there is something like Northeastern states. Like, it's absolutely beautiful. We must go there and also we must check there. So through this podcast, and one of the main takeaways what I have, my experience has been that, man, I have to still go and visit many rural places in India, and it would be really heart touching for me. Thank you. I would like to add one thing, what Coleman said. अब्रॉड जाने से पहले जो इन्होंने बात करी कि हमें अपना देश घूमना चाहिए, सो अपने देश को घूमना बहुत सस्ता है एक्चुअली. आप एक लोकल ट्रेन पकड़ोगे आपको रहने के लिए एक रात के लिए गुरुद्वारा भी मिलेगा, धर्मशाला भी मिलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. एग्जैक्टली. तो बेसिकली आप पूरा इंडिया घूम सकते हो, और अगर आपने पूरा इंडिया घूम लिया ना तो आपको बहुत नॉलेज आएगा. एंड यस, एंड एडिंग टू वन मोर थिंग व्हाट यू सेड, नो लाइक वी शुड ऑलवेज एनकरेज पीपल, नो लाइक नाउ आवर नेक्स्ट जेनरेशन, नो हम लोग को उनको एंकरेज करना चाहिए यार, जाके देखो, घूमो, कितना अच्छा है हमारा देश ना, जाके देखो. वी शुड नॉट शो देम लाइक बिगर ड्रीम्स फर्स्ट ओनली, लाइक नो, जाके देखो. यू व्हेन यू सी दीज थिंग्स, नो व्हेन यू सी द ऑथेंसिटी ऑफ दीज थिंग्स, नो यू कम टू नो द लव एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड द हाउ पीपल ग्रो अप इन विलेजेस एंड ऑल. एंड इट इज़ रियली, एंड यस, आई फॉरगॉट वन मोर थिंग. Like in villages, how many times do you smell cow dung? But when you cities and all, how many times you smell cow dung? But when you go into villages and all, that smell and all, it is really something which you don't experience every day in cities and all that. I'd like to add one small thing. जब हम गए थे, हम लोग groups में गए थे. Like we were a part of our own group. वहाँ जाके we learned the value of family, which they hold very dear in villages. Like being a family, it's not that me, my father, my mother and my sister. No, that is not a family. The entire village is one unit. And being with them, I think all of us shared that value, same value. And while coming back, we came back with a much stronger bond among our classmates and our batchmates. And I think yehi hum ye 2 saal se mila nahi jo hum online kar rahe the. Or this is what we were looking for. And now that we've come back, it is a bond that is much more to me like a family. So, yeah. मैं छोटी सी बात जो गांव वालों ने मुझसे कही, मैं वो दर्शकों तक पहुंचा दूं कि वो लोग, उनका ये कहना है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या मैसेज है एक यंग यूथ के लिए या जो यहाँ नहीं रहते, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे गांव को भी देखने आया करो जैसे आप बाहर शहरों में देखने जाते हो. खूबसूरती यहाँ भी है, खूबसूरती वहाँ भी है. तो उन्होंने बोला था कि अगर कोई किसान खेती करता है तो कोई अगर बाहर से आता है तो उससे ज़्यादा खुशी उसके लिए और कुछ नहीं हो सकती.
उन्होंने हमें खुद का घर का फूड भी ऑफर किया था वो अच्छी बार, तो वो बहुत टचिंग था हमारे लिए कि जब वो इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद भी वो इतनी खुशी से रह रहे वहाँ पे, मतलब वहाँ प्रॉपर, मतलब मेरे को ऐसा कुछ ऐसी दिक्कत लगी नहीं गांव में, तो वो बहुत खुशी से रह रहे थे, जितना भी उनके पास था उसमें बहुत खुश रह रहे थे। और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि यंग यूथ भी एग्रीकल्चर में इंडल्ज होगा आगे चल के, और वो भी एग्रीकल्चर में काम करेगा। तो बस यही है कि जो भी आप कर रहे हो तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है आज के ज़माने में। यही सेम एक चीज़ मुझे गांव के सरपंच ने ही बोली कि उनके खुद के गांव से एक उनका एक फीडबैक मिला है उनको, उन्होंने एक चीज़ देखी है कि उनके ही गांव में जो यंगस्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक कंसर्निंग बात है, और उन्होंने यही बोला मैसेज कि आगे दो भले आप मॉडर्न हो जाओ बट मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर फार्मिंग भी हो रही है, तो आप अगर वो कर सकते हो तो वो भी करो, बिकॉज अपना जो कंट्री है वो एग्रो बेस्ड कंट्री है, द फार्मर्स आर रनिंग द कंट्री। सो बेसिकली उनका यही सेम मैसेज था जो साकिब ने बोला कि अवेयरनेस फैलाओ कि एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है, और आगे अगर नहीं हुआ तो आर फ्यूचर विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल एक्सपीरियंसेस विथ यू ऑल। एंड लास्टली आफ्टर लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट मैं विलेज विजिट कर रही हूँ, आई एम गोना डेफिनेटली विजिट माई नेटिव विलेज इफ आई हैव वन। एंड यस, थैंक यू सो मच।